हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मोमो चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। मोमोज़ के साथ जो चटनी खाते हैं, टोमेटो चटनी जो बहुत ही तीखी होती है, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इजीली बन जाती है, झटपट बन जाती है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 4 बड़े टमाटर ले लिए और मिर्ची, ये बहुत ही तीखी थी, एक बड़ी वाली मिर्ची भी आती है कश्मीरी मिर्च जो मोटी मोटी होती है, आप अगर आपको तीखा कम चाहिए तो आप उनका वो यूज़ कीजिएगा। फ़िलहाल तो मेरे पास यही था, तो मैंने इसको, इसके जो डंडियां हैं वो हटा ली। और अगर आपको तीखा और कम खाना है तो इसका बीज जो है उसको भी आप फेंक सकते हैं, या तो आप कम मिर्ची डालिए। तो बहुतों को तीखा ज़्यादा पसंद है और बहुतों को तीखा कम पसंद है, तो तीखा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैं अभी एक बर्तन में इनको डाल के बॉईल करूँगी। सबसे पहले टमाटर को मैंने क्या किया, ऊपर से इसे 4 चीरा लगा लिया। चीरा लगाने से क्या होता है, ये अच्छे से बॉईल भी हो जाते हैं और इनको बॉईल होने के बाद इनका छिलका भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो अभी मैं इसमें पीने का पानी जो होता है उसको डाल दूँगी और इसको मैं गैस पर चढ़ा दूँगी। गैस पर आपको कम से कम 10 मिनट तक तो बॉईल करना है, और आप चेक कर लीजिएगा जब इसका छिलका उतर जाए, उतरने लगे अपने आप, तभी आप गैस ऑफ कर दीजिएगा। अभी देख सकते हैं मैंने इसको बॉईल होने छोड़ दिया है। तो आप 10 से 15 मिनट बॉईल कीजिए और जब देखेंगे आपका टमाटर का जो छिलका देख रहे हैं खुद ही उतर रहा है ये, तभी आप गैस ऑफ कर दीजिए। ये देख रहे हैं टमाटर का छिलका पूरा अपने आप उतर गया, मतलब ये पूरा पक गया है। अब इसको धीरे से एक प्लेट में निकाल लीजिए और इनका छिलका उतार लीजिए और मिर्चियों को छान लीजिए या कड़ची से निकाल लीजिए। एक एक करके मिर्ची निकाल लीजिए, या तो आप किसी छन्नी में, स्ट्रेनर में इनको निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब हम इनका एक प्यूरी बनाएंगे। सबसे पहले तो मैंने टमाटर के छिलके निकाल लिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा और देखिए चीरा लगाने की वजह से टमाटर के छिलके कितने आसानी से निकल रहे हैं। तो चीरा ज़रूर लगाइएगा बॉयल होने से पहले, नहीं तो नहीं भी लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगाने से क्या होता है आप देख सकते हैं छिलका जो बड़े आराम से अच्छे से निकल रहा है। अभी मैं क्या करूँगी, इनको और छोटा छोटा पीस कर दूँगी तो कि जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। तो चाकू से मैं क्या करूँगी, इनको काट के छोटा कर दूँगी, छोटे छोटे पीसेस में कर दूँगी और फिर इनको थोड़ा देर ठंडा होने दूँगी। और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इनको अभी एक ग्राइंडिंग जार में या ब्लेंडर में इनको ब्लेंड कर लूँगी या इनका एक प्यूरी बना लूँगी। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आप प्यूरी बनाइएगा। अब इसमें मैं एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी डाल दूंगी, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा नमक, आप स्वाद अनुसार डालिए, और विनेगर मैंने 2 चम्मच डाला। विनेगर से टेस्ट भी अच्छा आता है और ये आप 1-2 हफ्ते तक इसको रख भी सकते हैं। अब मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा कश्मीरी मिर्च का पाउडर, इसमें अच्छा कलर आएगा। अब इसको मैं अच्छे से एक प्यूरी बना लूँगी। प्यूरी बनाने के बाद एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालूँगी और तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें मैं प्यूरी ऐड कर दूँगी और इसको मैं पकाऊँगी अच्छे से। कम आँच में पकाइएगा इसको, नहीं तो ये चटकने लगता है। कम से कम 10 मिनट तक पकाइए, इसका रंग बदल जाएगा बिल्कुल। और पका लेंगे तो इसका जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगा। थोड़ा सा टमाटो सॉस भी आप इसमें डाल सकते हैं, कलर और टेस्ट दोनों के लिए। तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा टोमेटो सॉस, और क्योंकि इसमें विनेगर डाला है तो ये आराम से काफ़ी दिन तक चलेगा। तो इसी तरह आप सॉस बनाकर रख लीजिए और जब ही मोमो बनाएं तो आप साथ के साथ इसको निकाल कर खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा नमक चख कर देखा कि ठीक है कि नहीं, अगर कम है तो आप डाल लीजिए और बराबर है तो छोड़ दीजिए। अब देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल अलग हो रहा है, डार्क रेड हो रहा है और ये बिल्कुल अभी पकने ही वाला है। तो जैसे ही पक जाए तो हम गैस ऑफ कर देंगे। तो जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो सूख जाए तो इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, काफ़ी दिन तक हम इसको रख सकते हैं। फिर भी आप बाहर मत रखिए, इसको फ्रिज में ही रखिए किसी कंटेनर में स्टोर करके जब वो ठंडा हो जाए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन में ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।